मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम द टीचर ऑफ पांडेश्वर मॉडर्न स्कूल ऑफ क्लास 4. टुडे आई विल टीचिंग यू द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश. इन माय प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन द चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश. माय लास्ट पैराग्राफ, व्हेन कॉन्विक्ट आस्क पिप्स वेयर योर पेरेंट्स. Then I will start. I read and explain to you. The man jumped and a short run. वो जो आदमी है वो jump किया और थोड़ा सा run किया थोड़ी दूर. But then he stopped and looked over his shoulder. और लेकिन वो फिर रुका और रुकने के बाद अपने shoulder के ऊपर देखता है. जब पिप्स उससे पूछने के, जब वो कॉन्विक्ट उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो पिप उसको क्या जवाब देता है? दे आर सर. तो वही पर वो फिर रुकता है दौड़ते हुए. जब वो दौड़ता है तो फिर दौड़ने के बाद वो फिर रुकता है. रुकने के बाद फिर वो अपने शोल्डर्स पर देखता है. दे आर सर, आई टिमली सैड पॉइंटिंग टू द टॉम्सटॉन. फिर उसे याद आता है क्या कि मैं मतलब पॉइंटिंग करता है किसके ऊपर, ये जो टॉम्सटॉन है. तो इसी पर ये क्या है, पिप्स उसे पॉइंट करके बोलता है कि यहाँ है सर. ओ सैड द मैन, वो आदमी जो बोलता है ओ उदास होकर करके. सो हु डू यू लिव विथ, तो तुम्हारे साथ मतलब कौन रहता है. इफ़ आई लेट यू लिव, अगर तुम रहते हो जहाँ पर वहाँ तुम्हारे साथ कौन रहता है. विच आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड अबाउट, मेरे दिमाग में मतलब क्या है ये चीज़ चल रहा है, मेरे माइंड जो है इस चीज़ को मतलब क्या है बना रहा है क्या, कि तुम्हारे साथ रहता कौन है जो अगर तुम्हारे पेरेंट्स अगर यहाँ हैं. तो फिर पिप्स क्या बोलता है, माई सिस्टर्स सर, मिसिस जॉय गार्गी वाइफ ऑफ जॉय गार्गी द ब्लैक स्मिथ सर. वो अपने सिस्टर के बारे में बोल रहा है कि उसकी सिस्टर मिसिस जॉय गार्गी जो है वाइफ ऑफ जॉय गार्गी है वो ब्लैक स्मिथ सर, ठीक है. द ब्लैक स्मिथ सर उसके साथ में वो रहती है. ब्लैक स्मिथ ए शी सैड ही, वो बोलता है ब्लैक स्मिथ में ओ. एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और फिर उसके पैरों तरफ देखने लगता है. आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग मी एंड मी सेवरल टाइम्स, और उसके पैरों को वो देखने के बाद उसे फिर वो देख रहा है. ही टुक माई बोथ आर्म्स, और फिर उसने दोनों आर्म्स को देखा. एंड टिल्टेड मी बैक एज ए फर एज ही कुड होल्ड मी. Then he stared into my eyes, और फिर eyes की तरफ मतलब एक मतलब उस पहले shoulders पर देखा, फिर arms, पहले legs को देखा, फिर arms को देखा, दोनों arms को, फिर मतलब बार बार उसको पूरी अच्छी तरह से hold कर बार बार देख रहा है, और फिर उसकी आँखों में देखने लगा. Now look here, he said, और उसने बोला कि मेरी तरफ देखो. I need to decide if I will let you live. Do you know what a file is? मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या कि मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें ज़रूरत है कि मैं अगर तुम्हारे साथ रहूं, तुम ये डिसाइड करो. और तुम जानते हो इसके बारे में, इस क्षेत्र के बारे में. यस सर. एंड यू नो वाट गर्ब्स इज, और तुम क्या जानते हो गर्ब्स के बारे में. यस सर. आफ्टर इच questions he tilted me over a little more. This made me feel helpless. I was in danger. क्या उसके questions पूछने के बाद उसने क्या है बार बार उसे देखा, और क्या है फिर this made me feel helpless, और ये चीज़ जो क्या है उसे मतलब feel करवा रहा था पिप्स को कि वो helpless है और क्या है वो danger में था.
मतलब क्या वो फील करवा रहा है कि मतलब मैं जो हूँ वो कॉन्विक्ट जो है कि वो डेंजर में है। यू गेट मी ए फाइल, क्या तुम मुझे एक क्षेत्र दोगे। ही टेल्टेड मी अगेन, उसने फिर से उसे दोबारा पूछा। एंड यू गेट मी गर्फ, और क्या तुम मुझे गर्फ दोगे। गर्फ क्या होता है, ये एक तरह का खाना होता है, फूड्स होता है। ही टेल्टेड मी अगेन, वो बार बार उससे लगातार वो उसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, क्या तुम मेरे लिए ये मेरे लिए खरीदोगे, मुझे दोगे। ही टिल्टेड मी अगेन, और आई विल हैव योर हार्ट एंड लीवर आउट, वो बार बार मुझसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और फिर बोल रहा है क्या कि मैं तुम्हें हार्ट और लीवर मतलब क्या है दूंगा। ही टिल्टेड मी अगेन, बार बार वो उससे पूछ रहा है, कॉन्विक जो उसे बार बार पूछ रहा है क्या तुम मुझे रहने के लिए दोगे या खाना दोगे, मैं तुम्हें बार बार उससे वो ये बात कॉन्विक उससे पूछ रहा है। सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज़ ओवर, द नेक्स्ट क्लास विल बी टुमोरो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ दिस चैप्टर। And I especially request to the parents, please subscribe our YouTube channel and like our videos. Thank you.